हेलो बच्चों, इस टॉपिक में हम लेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, यानी हाउ द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन टू द डिस्कवरी के हाउ इट इज डिस्कवर्ड दैट द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। तो एक्चुअली इन 1891 अराउंड इन 1891 वन साइंटिस्ट वॉज देयर, दैट इज हैनकिंग। Now this scientist Henkin, he was doing work on the spermatogenesis. किस पर काम कर रहे थे बताइए? Spermatogenesis. Spermatogenesis हम लोग पढ़ चुके हैं, that is synthesis of sperm. और ये spermatogenesis in insects. तो while doing spermatogenesis means or while doing the studies on spermatogenesis in the insect, he observed. उन्होंने ये observe किया कि In some of the sperm, contain a structure. कुछ sperms में कोई एक particular structure present होता है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि मतलब specific nuclear structure, मैं simply कहूँ contain a specific nuclear structure. कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वाइल अदर स्पर्म डज नॉट कंटेन दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ही सेड दैट 50% ऑफ द स्पर्म, 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। 50% स्पर्म रिसीव्ड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, और 50% ऑफ द स्पर्म डज नॉट रिसीव। 50% में क्या हो गया बेटा? रिसीव कर गए, और 50% डिड नॉट रिसीव्ड। ओके, बट ही वॉज नॉट नोइंग कि एक्चुअली दीज स्ट्रक्चर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ही जस्ट टर्म्ड कि उनको जैसे पता नहीं था कि भाई ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है या क्या ये स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने इसका सिंपल नेम दिया बेटा एक्स बॉडी। क्या नाम दिया? एक्स बॉडी। बट लेटर ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट दे डिस्कवर्ड, जिसके अंदर स्टीवन एक लेडी थी बेटा, उनका नाम ज़्यादा आता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये एक्स बॉडी जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एट दैट टाइम नो बडी विल पुट अ पे हीड ऑन हिज ऑन हर डिस्कवरी, उसकी डिस्कवरी पर किसी ने हीड यानी ध्यान नहीं दिया। खैर, हैंकिंग ने बताया कि ये एक्स बॉडी है, जो लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस एक्स बॉडी इज इनफैक्ट This is in fact a sex chromosome. क्या है बेटा? Sex chromosome है, जो किसके लिए responsible होता है? Which is responsible for the sex of the individual. तो this is sex chromosome, और उस sex chromosome को बाद में क्या कहा गया बेटा? X chromosome. ये तो इसकी हो गई किसकी बेटा? Discovery. क्या डिस्कवरी है? कि 1891 में हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, विच ही वॉज डूइंग हिज स्टडीज ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम ऑफ द इंसेक्ट। वाइल डूइंग द स्टडी ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस ही फाउंड दैट इन सम ऑफ द स्पर्म कंटेन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एंड ही जस्ट नोटिस्ड दैट ओनली 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, while the remaining 50% of the sperm did not received that nuclear structure. So he named it as X body. But later on it was discovered, बाद में ये discovered हुआ कि actually जो X body है वो क्या है बेटा? Sex chromosome है, और जिसको कहा जाता है X chromosome. तो इस topic में हमको करना है बेटा sex determination. मैं सेक्स डिटर्मिनेशन का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से लेने की कोशिश करूंगी बेटा, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन
वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप से होता है बेटा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं जा रही हूँ. लेटर ऑन आई जस्ट एक्सप्लेन यू द डिफरेंट मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो, बट फर्स्ट आई एम टेकिंग ओनली द मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज गिविंग इन द एनसीईआरटी ओनली. लेटर ऑन आई विल डिस्कस द अनदर वन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ सिंपली वी कैन से थ्री टाइप. सिंपली थ्री टाइप का मैं ले रही हूँ. सबसे पहला हो जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेल हेट्रोगैमिटी. सेकेंड हो जाता है फीमेल हेट्रोगैमिटी. और तीसरा हो जाता है बेटा हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू द मेल हेट्रोगैमिटी. मेल हेट्रोगैमिटी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और गैमेट मतलब अलग अलग तरह की गैमेट. तो मेल हेट्रोगैमेटिक के मैं दो एग्जांपल लेती हूँ. वन इज द इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो होता है एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. इसके अलावा सेकंड मैं ले रही हूँ बेटा ग्रास हॉपर. एनसीईआरटी में दे रखा है, नीट में क्वेश्चन आता है कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ग्रास हॉपर. तो इन द ग्रास हॉपर ऑल्सो दैट इज द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम एक्स 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 ओ टाइप. दिस आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर. नाउ आई एम गिविंग यू द फीमेल हेट्रोगैमिटी. फीमेल हेट्रोगैमिटी मीन्स द फीमेल विल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट. मेल हेट्रोगैमिटी मीन्स द मेल इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट. यहाँ पे फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट. और इसका एग्जाम्पल जो आता है बेटा फीमेल हेट्रोगैमेट का एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो लेते हैं फाउल मतलब बर्ड्स. इसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट वॉज जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. आई विल एक्सप्लेन यू. हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन एज द नेम इंडिकेट आइदर द ऑर्गेनिज्म मेल इज हैप्लॉयड और फीमेल इज डिप्लॉयड. इट इज मेनली प्रेजेंट इन हनी बी. ये हम लोग बेटा फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं लेकिन अगेन वी हैव टू डिस्कस. तो सबसे फर्स्ट मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ बेटा किसका, मेल हेट्रोगैमिटी, या मैं सिंपली एग्जाम्पल लेके चलूँ इन ड्रोसोफिला. इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स डिटरमाइन होता है दैट इज बाय द एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन. ये एक्स एक्स और एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बेटा? तो सिंपली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम. वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड सेकेंड इज द सेक्स क्रोमोसोम. एज द नेम इंडिकेट ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स जो होते हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर. जितनी भी हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अपीयर होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? ऑटोसोम्स की वजह से. और सेक्स क्रोमोसोम की वजह से केवल एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स की वेदर द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और अ फीमेल. ओके, तो ऑटोसोम्स डज नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बट द सेक्स क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व. ओके, तो इन ड्रोसोफिला वी आर सेइंग दैट कंटेन द सेक्स क्रोमोसोम और बिसाइड ऑटोसोम इट कंटेन सेक्स क्रोमोसोम. तो कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे मिल सकता है कि अगर वो कहते हैं कि फीमेल
फीमेल ड्रोसोफिला के लिए दे कैन राइट ए ए प्लस एक्स एक्स, और मेल के लिए दे कैन राइट ए ए प्लस एक्स वाई। यहाँ पे मैं ए ए मतलब कि ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर एंड हेयर इट इज द एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड हेयर इज द एक्स वाई क्रोमोसोम। हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं या सिंपली मैं इसको फीमेल के अंदर एक्स एक्स और मेल के अंदर एक्स वाई लिख सकती हूँ। तो नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि हाउ द सेक्स ऑफ द ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड। तो सिंपली इन द ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एक्स एक्स और एक्स वाई। तो मैं दिस इज फॉर मेल, गुड, इट इज दिस सिंबल इज फॉर मेल एंड दिस सिंबल इज फॉर फीमेल। ओके, नाउ मेल इज हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल इज हैविंग ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम। हेयर आई कैन ऑल्सो राइट ए ए प्लस ए ए प्लस ऑटोसोम्स प्लस दिस। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यू नो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस अकर एंड द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। यानी मियोसिस के गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में क्या होती है, मियोसिस होती है और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी ऑटोसोम्स में से इन दोनों ऑटोसोम्स में से ओनली हाफ ऑफ द ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग द स्पर्म बाय मेकिंग अ टेल एंड देन द 50% ऑफ द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द स्पर्म विल कैरी वाई क्रोमोसोम। इट मीन्स इन द मेल ड्रोसोफिला टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, टू डिफरेंट टाइप्स, टाइप्स है बेटा ध्यान रखना, टू टाइप, टू स्पर्म नहीं बोलेंगे, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, 50% ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड रेस्ट ऑफ द 50% कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम। वाइल द फीमेल इज प्रोड्यूसिंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ ओवा, सारे के सारे ओवा एक ही तरह के बन रहे हैं, दैट इज कंटेनिंग ए प्लस एक्स। नाउ द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय नॉट बाय द ओवा, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म। इफ दिस ओवा गेट फ्यूज्ड विद दिस स्पर्म तो देन इट विल प्रोड्यूस ए ए प्लस एक्स एक्स, मीन्स द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल। बट इफ दिस ओवा सेम ओवा बट नाउ इट गेट फ्यूज्ड विद दिस स्पर्म तो देन इट विल प्रोड्यूस ए ए प्लस एक्स वाई, यानी कि मेल। अब कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ बेटा ऑफस्प्रिंग के सेक्स के लिए, इट इज द स्पर्म। तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेल। तो एक्चुअली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सो इट इज कॉल्ड एज, क्योंकि दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं, टू टाइप ऑफ स्पर्म इज फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेल हेट्रोगैमिटी। क्या कहलाता है ये, मेल हेट्रोगैमिटी। सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग ह्यूमन बींग के लिए भी दे सकते हैं, यानी दिस कैन बी गिवन फॉर द ड्रोसोफिला, सेम एक्सप्लेनेशन ड्रोसोफिला एंड दिस कैन बी गिवन बाय फॉर द मैन ऑल्सो। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमिटी। हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका बेटा, मेल हेट्रोगैमिटी का, यानी मेल ही दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, सॉरी दो तरह के स्पर्म्स बनाएंगे। ये एग्जाम्पल हम लोग लेंगे दैट इज ऑफ द ग्रास हॉपर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, ये अ लिटिल बिट डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन। इन द ग्रास हॉपर द मेल कंटेन बिसाइड्स ऑटोसोम, इट कंटेन वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम एंड वन इज नो क्रोमोसोम। नो मतलब ओ मीन्स होता है निल, निल मतलब नो, होंगे ही नहीं। और फीमेल के पास जो होगा बेटा वो होगा ऑटोसोम्स के साथ में पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो हेयर द ग्रास हॉपर इज हैविंग वन क्रोमोसोम लेस देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फीमेल। फीमेल में जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उससे एक नंबर
क्रोमोसोम कम होगा किसके अंदर बेटा, ग्रास हॉपर्स के अंदर। अब मेल के पास ये है तो मेल विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। कौन कौन से गैमेट बनेंगे बेटा, 50% ऑफ द गैमेट कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम अलॉन्ग विथ ऑटोसोम, वेल द 50% गैमेट कंटेनिंग ओनली ऑटोसोम नो सेक्स क्रोमोसोम। तो कई बुक्स में ये प्लस ओ लिख देते हैं, दे कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ओ, लेकिन इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ओ मतलब समथिंग इज देयर, वन ऑफ द क्रोमोसोम इज देयर, बट ध्यान देना ये क्रोमोसोम नहीं है, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब नहीं, कोई क्रोमोसोम नहीं है, यानी दे कंटेन ओनली ऑटोसोम। वेल द फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम दैट इज ए प्लस एक्स, ओ सॉरी नॉट दिस टेल ओनली एग। अब मेल टू टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्मिंग, 50% स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग ओनली ऑटोसोम नो सेक्स क्रोमोसोम, ध्यान देना मेरे बच्चों। अब इफ दिस स्पर्म गेट फ्यूज विद दिस ओवा देन इट विल प्रोड्यूस ए ए प्लस एक्स एक्स यानी फीमेल, और इफ दिस स्पर्म गेट फ्यूज विद दिस ओवा इट विल प्रोड्यूस ए ए प्लस एक्स, इधर से कुछ नहीं आया तो वी कैन पुट अ निल जीरो ओ, तो दैट विल बी मेल। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी के वी डिड टू एग्जाम्पल्स, वन इज द ड्रोसोफिला दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एंड सेकेंड इज द मेल हेट्रोगैमिटी के एक्स 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 ओ। हम इसको किस टाइप के कहते हैं बेटा, ये हमारे कहलाते हैं, ये वाला कहलाता है एक्स 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 वाई और ये कहलाता है एक्स 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 ओ। हरदम याद रखना बेटा, लेडीज़ फर्स्ट यानी कि लेडीज़ के जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उन्हें पहले नंबर पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर मेल क्रोमोसोम का लिखेंगे। Now we come on to the next sex determination, that is female heterogamy, कि हम किसका कर रहे हैं बेटा, female heterogamy का। तो female heterogamy का example हम लोगों ने लिया था बेटा fowl यानी birds। birds के केस में हम लेते हैं इसको ZW ZZ ladies first, यानी ये will be for female and this will be for male। तो यहाँ पे male क्या हुआ बेटा, male homogamet हो गए और female क्या हो गई, heterogamet, उससे उल्टा हो गया। तो अब मैं simply कहूँ कि जो male fowl है उसके पास, sorry female fowl है उसके पास autosomes के साथ में ZW chromosome है sex, और उसको मैं cross करवाऊँ male के साथ, ठीक है, और मेल के पास ऑटोसोम्स के साथ में सेक्स क्रोमोसोम है जेड जेड। ये हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जिससे कंफ्यूज ना हो इसलिए जेड डब्ल्यू वर्ड ले लिया इंस्टेड ऑफ एक्स एक्स और एक्स वाई। नाउ द फीमेल विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ओवा, टू टाइप्स ऑफ ओवा, कीप इन माइंड, दो ओवा नहीं बेटा, दो तरह के ओवा, वन विद द ऑटोसोम एंड जेड एंड अदर विद द ऑटोसोम विद डब्ल्यू। ओके, वेल स्पर्म they are producing only one type of sperm, एक ही तरह के sperm बन रहे हैं सारे। Now here the sex is determined by the ovum which is fused with the sperm, not by the sperm, it is by the ovum, कि which ovum is fused by the sperm, तो that is AA plus ZZ, male homogametic, ये बनेगा बेटा male, if it get fused with this AA प्लस जेड डब्ल्यू लेडी फीमेल। तो हेयर इन द फाउल क्वेश्चन आता है, इन फाउल द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, वाइल इन द ड्रोसोफिला फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इन ग्रास हॉपर फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, बिकॉज इन द ड्रोसोफिला मेल हेट्रोगैमेटी इज प्रेजेंट, इन
ग्रास हॉपर ऑल्सो मेल हेट्रोगेमिटी, ड्रोसोफिला ऑल्सो मेल हेट्रोगेमिटी, बट इन फाउल इट इज़ द फीमेल हेट्रोगेमिटी. नाउ द लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इज द हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन एज आई टोल्ड यू हनी बी. हनी बी में बेटा हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ये स्टडी किया था कि अगर फीमेल यानी कि फीमेल ले एग्स, तो फीमेल दो तरह के एग्स ले करती है. वन इज फर्टिलाइज्ड एग एंड सेकेंड इज अनफर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं बेटा फीमेल और अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं मेल. अब इसको मैं एक बार सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ बेटा. सपोज ये फीमेल हनी बी है, फीमेल हनी बी क्रॉस्ड विथ मेल हनी बी. अब फीमेल हनी बी में एग्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है. तो ओके, व्हाट इट प्रोड्यूस एग्स. इसमें क्या प्रोड्यूस हुए बेटा? स्पर्म. अब एक चीज आपको याद रखना है बेटा, हनी बी में एक नेपचुअल फ्लाइट होती है. जो क्वीन बी होती है वो नेपचुअल फ्लाइट के लिए उड़ती है. नेपचुअल फ्लाइट मतलब मेटिंग की फ्लाइट. फीमेल जो क्वीन है दैट विल ऑल्सो फ्लाई एंड द मेल ड्रोन विल ऑल्सो फ्लाई. उनके बीच में मेटिंग होती है और मेटिंग होने के बाद में मेल यानी ड्रोन जो होता है वो उसके वो अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी में स्पर्मेथिका पाउच प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वो स्पर्म एंटर कर देता है. तो सारे स्पर्म्स उसमें स्टोर हो जाते हैं बेटा. ये वन टाइम मेटिंग होती है और फिर वो लाइफ लॉन्ग जब तक फीमेल एग ले करती है तब तक उसको फर्दर मेटिंग की ज़रूरत नहीं है. वो अपनी अकॉर्डिंग उन स्पर्म्स को यूज़ करती रहती है फॉर फर्टिलाइजिंग द एग. तो इसका मतलब हुआ कि जो फीमेल हनी बी है दैट हैव द कैपेसिटी टू ले टू टाइप्स ऑफ एग. दो तरह के एग्स ले करती है बेटा. वन इज फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग बेटा क्यों? क्योंकि एग भी एन है, स्पर्म भी एन है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज्ड एग कैसे बनेंगे बेटा? 2n. और दूसरा होगा बेटा अनफर्टिलाइज्ड एग. अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, तो ये रहेगा बेटा एन. अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ कौन बेटा? मेल, जिसे कहा जाता है ड्रोन. तो ये मेल होंगे हैप्लॉइड. फर्टिलाइज्ड एग से कौन डेवलप होंगी? फीमेल. फीमेल फिर दो तरह की होती हैं बेटा, आपको पता है. वन इज फर्टाइल फीमेल दैट इज कॉल्ड एज क्वीन एंड सेकेंड इज स्टेराइल फीमेल दैट इज कॉल्ड एज वर्कर. खैर हमें ये नहीं देखना है कौन क्या बनता है, हमें ये देखना है कि फीमेल क्या है बेटा? डिप्लॉयड है और मेल क्या है? हैप्लॉयड है. अब क्योंकि मेल हैप्लॉयड है और फीमेल डिप्लॉयड है इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. मीन्स द सेक्स इज डिटरमाइंड वेदर द ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉयड फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग और वेदर इट इज डिप्लॉयड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग. नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा बोर्ड में. कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई एनिमल अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, पार्थिनोजेनेसिस. है ना बच्चे? पार्थिनोजेनेसिस. अब एक चीज फिर वापस से मैं यहाँ पे ला रही हूँ, एक और वर्ड जो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, पार्थिनोकार्पी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्थिनोकार्पी एंड द पार्थिनोजेनेसिस? रिमेंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर करवाया था बेटा. पार्थिनोकार्पी जो होता है वो उसका हम डेफिनेशन देते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट.
विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है बेटा। ये रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है क्योंकि सीड नहीं होते, इसलिए ये वाले फ्रूट्स कैसे होते हैं बेटा, सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पी में प्लांट्स में होता है जिसमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीडलेस फ्रूट, जबकि पार्थिनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मेल जो ड्रोन होता है वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड है, पहली चीज। कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा, हमने एक और पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में ही, कि पार्थिनोजेनेसिस कौन शो करता है, तो सम ऑफ द रोटिफर्स टर्की, सम ऑफ द लिजर्ड्स, तो उसमें हमने कहा था कि उनके अंदर यूजुअली केवल फीमेल पॉपुलेशन ही मिलेगी क्योंकि फीमेल कैन ले एग्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स से डेवलप हो रही हैं, तो वो पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे भी आ रही है। अब एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वाई ड्रॉन्स डज नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर्स, कि पार्थिन ड्रॉन्स जो हैं उनके फादर नहीं होते, उनके कौन होते हैं बेटा, ग्रैंडफादर्स होते हैं। तो फादर क्यों नहीं होते, तो सिंपली अगर अपन ले कि ये हो गया फीमेल मदर, ये हो गया फादर, और मदर का एग है ये एन अनफर्टिलाइज्ड, ये एन फादर के स्पर्म है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रहा है, उसमें केवल ड्रॉन बन रहा है यानी कि मेल बन रहा है। अब मेल के बनने में फादर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसलिए दे डज नॉट हैव फादर, तो देन हाउ दे हैव द ग्रैंडफादर। ये जो मदर डेवलप हुई है वो मदर किससे डेवलप हुई है, जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे, इस मदर के पास एग था बेटा और इस फादर के पास स्पर्म थे, उनके फ्यूजन से मदर बनी डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड मदर के हैप्लॉइड ड्रॉन बना, तो दैट्स व्हाई द ड्रॉन और द मेल हनी बी डज नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंड फादर। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि दे डू नॉट हैव फादर बट, और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेल होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ड्रॉन डज नॉट हैव सन, ड्रॉन के सन नहीं होते है ना, सन नहीं होते बट हैव ग्रैंड सन्स, बट हैव ग्रैंडसन, तो भी आपको यही देना है। जैसे सपोज ये ग्रैंडफादर है, इसके सन नहीं है क्योंकि हैप्लॉइड मदर से बनेंगे, मदर बनी, मदर से ड्रॉन बना, तो इसलिए द ड्रॉन डज नॉट हैव फादर बट ग्रैंडफादर, ऐसे ही ग्रैंडफादर डज नॉट हैव सन, इधर सन केवल मदर के होंगे, फादर के केवल डॉटर होती है और डॉटर से ग्रैंडसन बनता है, तो दे हैव सन, दे डज नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडसन। तो दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनीबी। तो हम लोगों ने तीन तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन करा बेटा, वन इज द मेल हेट्रोगैमिटी, ओके, सेकेंड इज द फीमेल हेट्रोगैमिटी, एंड थर्ड इज द हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंगे बेटा म्यूटेशन, ओके, और मेंडेलियन डिसऑर्डर। थैंक यू।